हे दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। मैं विकास बरनवाल, प्रॉपर्टी डीलर, मीरा रोड, मुंबई से। दोस्तों, रीसेल की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं वीडियो बना नहीं पाता हूं, बिकॉज फ्लैट खाली नहीं होता तो प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पाता है और फ्लैट का स्पेस दिख नहीं पाता है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे दूं, 1 BHK का प्राइस 45 लाख से स्टार्ट है, 43-45 लाख से स्टार्ट है, और 2 BHK की प्राइस यहाँ मीरा रोड में 60 और 65 लाख से स्टार्ट है। अगर आपको रीसेल की प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट हो, खरीदना हो या बेचना हो, तो हमें कॉल करें। और रेंट पे भी अगर आपको चाहिए या आपको रेंट आउट करना हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी अगर रेंट पे भी देना हो, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। उसमें भी हम और मैं और हमारी टीम पूरी मदद करेंगे। आइए आज प्रोजेक्ट का वीडियो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज जो बात करने जा रहा हूँ, ये हैप्पी होम रेसिडेंसी एक न्यू प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का पहले हम बिल्डिंग का एलिवेशन, एंट्रेंस और फ्लैट देखते हैं। बहुत ही स्पेसियस और खूबसूरत फ्लैट है, 4 विंग का कॉम्प्लेक्स है, और भी मैं डिटेल में सारा बात करूँगा। पहले हम आइए प्रोजेक्ट का वीडियो और फोटो देखते हैं, फ्लैट की साइज देखते हैं, फिर लास्ट में मैं दोस्तों में बात करूँगा और सब डिटेल। ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है दोस्तों, मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्डिंग के बाहर कंक्रीट रोड बना हुआ है और चारों तरफ जो रहने वाली पब्लिक है, एक लेवल पे बहुत ही अच्छी पॉश पब्लिक है, वो आप एनवायरनमेंट देख के समझ सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है विंग का, बहुत ही क्वालिटी वाइज काम है इस बिल्डर का, किसी भी चीज में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, पूरा बिल्डिंग खड़ा करते हैं और फिर ये सेल करते हैं। उनका स्टाइल ही काम करने का अलग है, बहुत ही क्वालिटी मेंटेन करते हैं ये अपने प्रोजेक्ट के हर एक छोटी मोटी चीजों का भी। ये स्टेयरकेस है इसका, ये एमिनिटीज है, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन एरिया है, और ये बिल्डिंग का बाहर से जो एलिवेशन है, कलर चॉइस है इनका, और 13-13 माले की टावर है। ये 4 विंग का कॉम्प्लेक्स है पूरा, 2 विंग इधर रेडी होके पोजीशन हो गया है, 2 विंग का अभी काम चालू है, 3 से 4 महीने में इसका पोजीशन होने वाला है, अभी इन्होंने बुकिंग चालू कर दिया है इसका। ये पतरा वगैरह सब निकलने के बाद बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ये इसका पैसेज एरिया आप देख सकते हैं कितना स्पेसियस है, काफी बढ़िया स्पेस दिया है इन्होंने पैसेज का और सीढ़ियों का, 2 हाई स्पीड लिफ्ट है इसमें। ये बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए मेन एंट्रेंस है, ये बिल्डिंग के चारों तरफ बैक साइड में इतना स्पेस है पार्किंग के लिए, ये सब पतरा निकलने के बाद सेम स्पेस हो जाएगा चारों तरफ। ये सेकंड फ्लोर से व्यू है गार्डन का। दोस्तों, अब हम पूरा फ्लैट देखेंगे, इनका 2 BHK का जो साइज है वो हम पूरा देखेंगे। इसमें डाइनिंग एरिया, हॉल, बालकनी, काफी बढ़िया प्रॉपर तरीके से सब बिल्डर ने बनाया है। ये इसका किचन भी काफी स्पेसियस आप देख सकते हैं, किचन के बाहर काफी बड़ा बालकनी है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉपरली यूज कर सकते हैं दोस्तों। किचन के अपोजिट में वॉशरूम है जो अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें कमोड, वॉश बेसिन वगैरह सब, बाथटब एरिया सब लगा के देंगे आपको, टब बाथटब नहीं, बाथ के लिए जो नल्स की जरूरत होंगे वो। ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम भी काफी स्पेसियस है और उसमें भी बालकनी दी हुई है। देख सकते हैं, मैं 2 से 3 फुट की बालकनी है इसकी। अब हम मास्टर बेडरूम की ओर जाएंगे दोस्तों, ऊपर
वाटर टैंक स्पेस है, लगेज स्पेस है। मास्टर बेडरूम में घुसते ही राइट हैंड साइड पे वॉशरूम है इसका, बाथ एरिया में इन्होंने ग्लास से डिवाइड किया है और राइट हैंड साइड पे इसका वार्डरोब स्पेस भी है और बेडरूम काफी स्पेसियस है इसका। इसकी बालकनी आप देख सकते हैं, एल टाइप में इसकी बालकनी है कॉर्नर से, जो बहुत ही बढ़िया स्पेसियस बालकनी भी है रोड साइड में। और ये 13 माले का टावर है, मैं सेकंड फ्लोर पे शूट कर रहा हूँ, 13th फ्लोर से इसकी व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग ही व्यू रहता है। ये फ्लैट के अंदर का पूरा व्यू है डाइनिंग तक का, बहुत ही बढ़िया पॉश लोकेलिटी है और बहुत ही अच्छी लोग हैं इस प्रोजेक्ट में। ये इसके हॉल का बालकनी है दोस्तों, ये हम अभी बाहर निकल रहे हैं बिल्डिंग के। चिल्ड्रन प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन एरिया है, ये पूरा पार्क एरिया है। ये लिफ्ट का पावर बैकअप है इसमें। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में 1 BHK और 2 BHK दो कॉन्फ़िगरेशन है। 1 BHK की साइज 550 से 600 स्क्वायर फुट कारपेट है अप्रॉक्सीमेट, और 2 BHK 600 से 700 स्क्वायर फुट के बीच में कारपेट एरिया है इसका लगभग। और इसका जो फ्लैट का प्राइस है, न्यू और अनटच फ्लैट आपको मिलेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट 4 विंग का है और इसमें 2 विंग बन चुका है, 2 विंग की OC आ चुकी है, 2 विंग अभी 2 से 3 महीने में उसकी OC आ जाएगी और उसका पोजीशन हो जाएगा लगभग। इसकी मैं रेट की बात करूं तो फ्लैट का प्राइस बेसिक 78,66,000 है, वो अगर हम जैसा पेमेंट हो वैसा हम बिल्डर से नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं दोस्तों। आगे ये 2 BHK का मैंने बताया, अभी 1 BHK का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इसी स्क्वायर फुट के हिसाब से है, वो आप हमें फ़ोन करें तो और भी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स, हम लोग न्यू बुकिंग रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 30 से 40% डिस्काउंट पे आती है वैसा, और कभी कभी अर्जेंट सेल में हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो कभी 5-5, 10-10 लाख रुपए कम में आती है। साथ ही जो न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्ट होते हैं, जो बिल्डर नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उस टाइम अच्छा खासा उनका ऑफ़र होता है, कभी स्टाम्प ड्यूटी ऑफ होता है, तो कभी स्क्वायर फुट में फ्लोराइज ऑफ होता है, कभी PLC चार्ज, जो प्रीफर लोकेशन चार्ज होता है वो ऑफ होता है। तो इन सब जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, ऑफ़र वाली प्रॉपर्टी होती है, उसका हमेशा मैं अपडेट, उसका जो इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं अपने चैनल के थ्रू हमारे बायर से, हमारे सब्सक्राइबर से शेयर करता रहता हूँ। तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेस करके उसका डायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप WhatsApp पे इन नई नई ऑफ़र वाली प्रॉपर्टी का, बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा अल्टरनेट नंबर है 8070807099। ये डिस्प्ले के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कॉर्नर पे हमारा नंबर लिखा हुआ है। इन दोनों नंबर पे हमारा WhatsApp है, आप WhatsApp पे आपका नाम, लोकेशन, बजट और आपका रिक्वायरमेंट जो भी हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK हो, तो वो हमें लिख के और शेयर करें, हमारे को भेज दें व्हाट्सएप पे, हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे। और जब भी ऐसी ऑफ़र वाली प्रॉपर्टी आती है, बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी आती है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी आती है जिसमें आप कुछ कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके या रहने के लिए भी चाहिए, तो वैसे जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू ब्रॉडकास्ट भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और जिससे डायरेक्टली आपको बेनिफिट होगा कि आप उसको परचेस करके उसका बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों। हम लोग
प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। हमारे सारे बैंकों से टाई अप है, हम लोग बहुत ही बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट में काम करके देते हैं, जीरो प्रोसेसिंग चार्ज पे भी करके देते हैं अगर आपका पूरा टाइटल क्लियर हो तो। तो होम लोन दिलाने में भी हम आपको पूरी तरह से मदद कर पाएंगे दोस्तों। हम लोग रेंट का भी काम करते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी कोई भी 1 BHK 2 BHK 3 BHK शॉप गाला इंडस्ट्रियल किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी अगर आपको रेंट पे चाहिए मीरा रोड में, तो हम लोग उसमें भी आपको मदद कर पाएंगे दोस्तों। हमारी पूरी टीम है 7 से 8 लोगों का, 700 स्क्वायर फुट की ऑफिस है, हम लोग प्रॉपर प्रॉपर्टी के काम ही करते हैं। तो हम लोग महारेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, सिर्फ लीगल प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं दोस्तों। दोस्तों हर एक वीडियो में मेरा एक एजुकेशन टिप्स रहता है जो हम हमेशा शेयर करता हूँ। आज का जो एजुकेशन टिप्स बहुत ही शॉर्ट है, बट बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, इसके लिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बिकॉज बहुत लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, इसके लिए बताने जा रहा हूँ ताकि जिनको मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उन्हें पता लग जाए। कि लोग GST को लेके बहुत असमंजस में रहते हैं कि कितना GST देना है, कब देना है, कैसे देना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब बिल्डर पोजीशन दे देते हैं OC आने के बाद आपको GST नहीं देना पड़ता है। OC आने से पहले आपको GST बिल्डर को पे करना पड़ता है। अगर सोसाइटी हैंडओवर हो गई है, बिल्डर ने हैंडओवर कर चुके हैं और वो रेरा के पहले का सोसाइटी है, तो उसमें भी आपको GST देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें GST एप्लीकेबल नहीं है। OC के बाद भी GST एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर कोई कहता है GST एप्लीकेबल है तो वो गलत है। OC के पहले GST लगता है, जो बिल्डर को भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आप रीसेल में ख़रीदने जा रहे हैं तो रीसेल में आपको GST देने की ज़रूरत नहीं है। OC आने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में आपको GST देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।